हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। इसके पहला और दूसरा क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लेना कैसा सॉल्व किया था। उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग उसको अवश्य ही देखें ताकि इन क्वेश्चन को समझने में और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप लोगों को सूत्र याद होगा तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आने लायक है, अंत तक जरूर देखना वीडियो को। तो देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है जी। साइन का पावर 4a प्लस कॉस का पावर 4a इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को बड़े इजली तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। साइन का पावर 4a प्लस कॉस का पावर 4a, मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया। क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो आप लोग यदि मेरे पिछले वीडियो का जो फार्मूला सूत्र आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा तो इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर साइन का पावर 4a को हम लोग लिख सकते हैं साइन का पावर 2a इंटू साइन का पावर 2a, दो बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी गुणा होता है तो पावर जुड़ता है, तो साइन का पावर 4a आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग कॉस का पावर 4a को लिखा जा सकता है कॉस का पावर 2a इंटू कॉस का पावर 2a, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैंने सर्वसमी का फार्मूला बताया था, यहाँ पर फार्मूले को लिख देता हूँ ताकि समझने में आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है सेम रहना चाहिए, उसका मान 1 होता है, चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 होता है। यहाँ पर कोण का मान सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं यदि साइन स्क्वायर ए का मान निकालना चाहूँ, ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए को पक्षांतर करेंगे इधर साइड राइट साइड, तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी फार्मूले को, है ना, इसी फार्मूले को यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए, एक साइन स्क्वायर ए के मान के जगह में हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमने केवल साइन स्क्वायर ए का मान रखा, साइन स्क्वायर ए का मान है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, केवल एक साइन स्क्वायर ए का मान रखा है, इनटू में दिया है साइन स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, ठीक इसी तरह से जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का मान एक वैल्यू को पुट किया, वैसे यहाँ पर भी हम लोग कॉस स्क्वायर ए का मान को पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फार्मूला क्या बोलता है, इसी से हम लोग कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ए को इधर हम लोग पक्षांतर करेंगे, तो इसका फार्मूला मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोगों को फार्मूला मिल गया कॉस स्क्वायर ए का, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर पुट कर दिया इस फार्मूले को, इनटू में है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पदों में, तो 1 के साथ कीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा आप लोग तो जानते ही होंगे, प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए के साथ कीजिए तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यहाँ तक ठीक है। अब ठीक इसी तरह से इसका भी मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं प्लस और प्लस का गुणा हमेशा प्लस ही होता है, तो कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मल्टीप्लाई तो माइनस होगा, और इसके साथ करेंगे तो ये आ जाता है
साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको जमा कर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और परेशानी ना हो। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी है माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, दोनों सेम है, आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो माइनस टू कॉस स्क्वायर ए इंटू आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर सर्वसमिका फार्मूला जो कि यहाँ पर मैं पहले से ही लिख दिया हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान एक होता है, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ आ गया है, वही फार्मूला आ गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू एक होता है। इसी वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं तो वन प्लस, सॉरी इसका मान तो वन हो जाएगा, वन माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस नहीं लिखेंगे, वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यही तो प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया था देखिए, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन का पावर फोर ए प्लस कॉस का पावर फोर ए इक्वल वन माइनस टू साइन स्क्वायर इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखिए हमने बहुत इजली तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग पेन और कॉपी को लेकर नोट करते जाइए ताकि आप लोगों को बहुत इजली तरीके से ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को भी इसी तरह से बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने रब कर लिया है। अब देखते हैं प्रश्न चौथा, ये भी बहुत आसान है, तो पहले तो क्वेश्चन को लिखा जाता है फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है हमारा अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा, अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा अपान में दिया है वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए, है ना, अंडर रूट में दिया रहेगा और ऐसा चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए, आप लोग हमेशा हर का परिमेयकरण करके बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग हर का परिमेयकरण करते कैसे हैं ये तो आप लोगों ने नवीं कक्षा में पढ़ लिया होगा, तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो वन माइनस कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा गुणा हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपान वन प्लस माइनस कॉस थीटा, ठीक है, हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। अब अगला स्टेप हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक बीजगणितीय फार्मूला आता है जो कि मैंने पिछले वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था, तो यहाँ पर एक बार फार्मूले को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फार्मूले को रख कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर रिलेट कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक प्लस कॉस थीटा इंटू एक माइनस कॉस थीटा है, इसी फार्मूले से रिलेट करेंगे, तो इस फार्मूले से रिलेट करने पर ये आ जाता है एक का वर्ग एक ही होता है माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी फार्मूले को रख कर इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वन माइनस कॉस थीटा का वर्ग अपान ये हो जाएगा यहाँ से फार्मूले के आधार पर हो जाएगा वन का वर्ग वन ही होता है और कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फार्मूला आ गया जो कि मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ,
ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसी फार्मूले को इसमें पुट करेंगे और आगे हल करते जाएंगे। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए दोनों का वर्ग है, हर का भी वर्ग है और अंश का भी वर्ग है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये वर्ग जो है अंडर रूट को कटा देता है, दोनों के लिए कट जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका तो अंडर रूट कट गया, अब बचा क्या, उसको यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। बस यही बस बचा है, चूँकि अंडर रूट को काट दिया गया है वर्ग आने पर। अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 के साथ अलग डिवाइड और कॉस थीटा के साथ अलग डिवाइड। तो चलिए कर लेते हैं, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम लोग व्युत्क्रम फार्मूला जानते हैं, आप लोग भी जानते हो क्योंकि मैंने वीडियो में बता दिया है, तो याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो 1 अपान साइन थीटा का फार्मूला होता है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉट थीटा। यही तो प्रूव करना था हम लोगों को, क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, बड़े इजीली तरीके से बन गया क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।